आप बताइए इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस किया कि नहीं किया? आप बताइए कमलनाथ के रिश्तेदारों के घरों से ढेर सारा धन निकला कि नहीं निकला? आप बताइए इनके खिलाफ केस चले कि नहीं चले? आप बताइए इनका ओएसडी के घर से धन निकला कि नहीं निकला? काजल की कोठरी में रहोगे तो कालिक तो लागे ही लागे, कालिक तो लगेगी ही लगेगी। ये घोटालों की सरकार, ऐसी सरकार आने देना है क्या? आने देना है क्या ऐसी सरकार? ये घोटालों की सरकार। और मित्रों मैं एक बात और बता दूं, ये चाहे गहलोत हो, चाहे बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर। और अंग्रेजी वाला कलेक्टर नहीं, जिलाधीश नहीं, ये इकट्ठा करने वाले लोग हैं, समझ गए? कलेक्ट करते हैं इकट्ठा, और इकट्ठा करके दिल्ली दरबार में वहां अर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मित्रों आप जानिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और बताता है कि मैंने ये कहा था ये किया है, मैंने ये कहा था ये किया है, और जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके का हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आए।